छात्रों की परीक्षाएं नजदीक हैं और उनके तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कर छात्रों का तनाव कम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कई उदाहरणों के जरिए छात्रों का तनाव कम किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अंबाला के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को गौर से सुनते हुए उन पर अमल करने की बात कही। छात्रों ने कहा उन्हें प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से काफी फायदा मिलेगा। मेरा नाम परवीत कौर है, मैं प्लस टू नॉन मेडिकल की छात्रा हूँ। जैसे कि हमने देखा है अभी परीक्षा पे चर्चा, हमने अभी शो देखा है जो प्रधानमंत्री ने दिल्ली में किया है, वो लाइव देखा है हमने। अभी उन्होंने बताया कि हमें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, हमें जो हमारा मतलब कि हमारा मोटिव है, हमारा मतलब फोकस एक चीज़ जिस पे फोकस करना चाहिए हमें बहुत। अगर हम फोकस करेंगे तो मतलब कि जैसे दूसरों का दबाव, हमें इतना ज़्यादा दबाव नहीं सहन होगा। जैसे कि अगर हम पे दबाव पड़ेगा तो जो जिस पे हमारा फोकस है उस पे भी हम भूल जाएंगे, मतलब कि जो हमने याद किया है या जो भी हमने समझा है उसे हम उस पे फोकस नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा अगर हम दूसरों के दबाव में आएंगे। और चीटिंग के बारे में बताया उन्होंने, अगर हम चीटिंग करते हैं तो वो चीटिंग सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही रहती है, हम वो उसे याद नहीं कर पाते, मतलब कि वो सिर्फ एक चीटिंग ही रह जाती है, वो हमारे साथ लाइफ टाइम तक नहीं चलती है। बाकी हमें मतलब सक्सेस के लिए थोड़ा थोड़ा हमने कदम मतलब जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ही हमें सक्सेस मिलेगी, एकदम हमें सक्सेस नहीं मिलती। कार्यक्रम के दौरान अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। विधायक असीम गोयल ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रयास से छात्रों को बहुत फायदा मिलेगा, उनका तनाव कम होता है। विधायक ने कहा 14 फरवरी को अंबाला में भी एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है जहाँ छात्र अभिभावक व टीचर हिस्सा लेंगे। देखिए, मैं जैसे कह रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस नाते इस कार्यक्रम को शुरू किया वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है और एक अनूठा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी आज अभिभावक के रूप में भी, एक शिक्षक के रूप में भी और स्वयं विद्यार्थी के रूप में नज़र आए। मुझे लगता है कि सभी को, खाली राजनेताओं को नहीं, सभी राजनेताओं को भी, सभी मुझे लगता है जो एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी विधा में, किसी भी नाते, उन सबको भी अपने अपने स्तर पे ऐसे कार्यक्रम, एक ऐसा प्रयास, सुप्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है निश्चित रूप से बच्चों के अंदर एक नई तरह का कॉन्फिडेंस, नए तरह का नज़रिया जो है डेवलप होगा अपनी परेशानियों को टैकल करने के लिए। और जैसा आपने कहा कि हम अंबाला के अंदर भी 14 फरवरी को एक शिक्षा त्रिकोण के नाम से ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं जिसके एक त्रिकोण, इसके एक कोण के ऊपर बच्चा, दूसरे के विद्यार्थी, दूसरे पे शिक्षक और तीसरे पे अभिभावक। हम इन तीनों की एक वर्कशॉप, इकट्ठी वर्कशॉप जो है करना चाह रहे हैं जिसके अंदर उद्बोधन भी होगा, योग की कुछ क्रियाएँ भी होंगी, ताकि किस नाते मेरा मानना है कि बच्चा जो है जो कैंपस में आए, जो लेकर जाए, वो निश्चित रूप से ज़िंदगी भर उसके काम आए और वो समर्पण जो है बच्चे का दिखना चाहिए। और दूसरा जो मुझे लग रहा है, शिक्षक है, शिक्षक को ये समझना चाहिए कि जो मैंने बच्चे को पढ़ा दिया उसी के ऊपर उसके जीवन का पूरा भवन तैयार होगा, मैं उसको नींव दे रहा हूँ और वो पूरी परिपक्वता से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे। और मेरा ये भी मानना है कि अगर हमने शिक्षा बहुत अच्छी दे दी लेकिन उसमें संस्कार नहीं डाले तो वो व्यक्ति जो है एक मानव बम की तरह काम करता है। तो संस्कार देने का जो काम है वो पालक ही कर सकता है, अभिभावक ही कर सकता है। तो इनका आपस में बहुत, तीनों का जुड़ा हुआ रोल है और अगर तीनों एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड में काम करें तो निश्चित रूप से इस देश की तरक्की को, बच्चे की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसको लेकर विधायक असीम गोयल ने कहा कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा नहीं, दिल से दिल जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। कांग्रेसियों के दिल और विचार नहीं मिलते, इसीलिए हाईकमान को उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को सबसे पहले भारत जोड़ो, हाथ जोड़ो से पहले दिल जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। इन कांग्रेसियों के ना दिल ना इनके विचार आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं तो निवेदन करूँगा ये सब चीज़ें छोड़ के कांग्रेस के हाईकमान को, एक सारे कांग्रेसियों में पहले दिल जोड़ो और विचार जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, तभी कांग्रेस बचेगी, वरना कांग्रेस की लुटिया डूबी होगी।